सुप्रभात बच्चों, आज हमारा हिंदी का विषय है और आज हम हिंदी के विषय में कुछ नया पढ़ेंगे। तो कुछ नया में आज हम क्या पढ़ेंगे? आप सब देख रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड पे यह एक चित्र बना हुआ है और यह चित्र किसका है? जी हाँ, रेलगाड़ी का है। और रेलगाड़ी के चित्र में यह क्या है? इंजन है और ये सारे डब्बे हैं। और ये क्या है? यह रेलगाड़ी के डब्बों का क्या है? पहिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम हिंदी में कुछ नया पढ़ेंगे, वह है आपका बारह फड़ी। बारह फड़िया और इन डब्बों के अंदर आपको दिख रहा होगा बच्चों के कुछ लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जिसे हमने पढ़ लिया है अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए ऐ ओ औ हम अब। ये तो थे आपके स्वर वर्ण और इन वर्णों का जो मात्रा हम लगाते हैं किसी भी वर्ण के साथ, तो हमारा कोई शब्द बनता है, वाक्य बनता है, तो ये जो मात्रा है, ये जो आप पहिया देख रहे हैं, इन पहियों में इन मात्राओं को हमने लगाया है। जिसे आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मात्रा हम कैसे लगाते हैं और आ की मात्रा क्या होती है, छोटी ई की मात्रा क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा, इसी तरह बड़ा हो छोटा हो ए है ओ औ हम ऐसी सारी मात्राएं हमने इन पहियों में लगाई है। इसी तरह अब हम जब बारह खड़ी लिखना और पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक वर्ण लेते हैं। व्यंजन वर्ण में हमने सबसे पहले क को लिया है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे बारह क को लिखा है। उसके बाद अब हम इसमें मात्रा लगा के बारह खड़ी पढ़ना सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे। तो क का अपने आप में एक वर्ण है और यह पूरा है। जब हम क बोलते हैं तो इसका उच्चारण होता है अ का, तो क को हम खाली छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे क पे आते हैं, तो यह कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। जब हम इसमें लगाएंगे क के साथ तो क्या पढ़ेंगे? का। फिर हम जब लगाएंगे छोटी की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे? की। फिर हम इससे बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा? की। छोटा उ लगाएंगे तो उ। फिर बड़ा उ लगा के पढ़ेंगे उ। ए की मात्रा लगाएंगे तो के। ए की मात्रा लगाने के हम पढ़ेंगे इसे के। फिर को की मात्रा को। को कं क। तो ये हम